जिस किसी भी परीक्षार्थी ने मैट्रिक या में भाग लिया है, परीक्षा का संचालन पूरी तरह से कदाचार रहित, स्वच्छ और उत्कृष्ट माहौल में किया गया है और निश्चित रूप से ऐसी कठिन परीक्षा व्यवस्था से जो भी परीक्षार्थी गुजरे हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि अब जो परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसमें यदि आपके अच्छे परिणाम आते हैं, यदि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जिंदगी की सफलता के आगे कई सोपान हैं, कई चरण हैं। यदि आप कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य जिस किसी भी करियर को आप चुनेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता आप कदम चूमेगी और आपके उन्नत भविष्य के लिए बिहार बोर्ड कामना करता है और हम सभी लोगों की यह कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर अंकों के साथ आप उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हो। सर, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट का ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है OMR भरने में या उनका रिजल्ट अगर पेंडिंग हो जाता है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होगा? देखिए, यदि किसी विद्यार्थी ने OMR भरने में गलती की है या उन्होंने गलत गोले को भरा है तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अन्य डॉक्यूमेंट से मिलान करके यदि उस विद्यार्थी ने जो त्रुटि की है उसका सुधार हो सके तो उसके उसमें समय भी लग रहा है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने जिस किसी पर त्रुटि की है उसको अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से मिलान कर सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए बोर्ड से काफ़ी बड़ी संख्या में 100 से भी अधिक कर्मी लगाए गए हैं जो बच्चों द्वारा की गई ऐसी गलतियों को देख रहे हैं, उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश की जा रही है कि उन सारे सुधार उनमें से अधिकांश त्रुटियों का सुधार अन्य वैकल्पिक माध्यमों से कर ली जाए ताकि ऐसे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग ना हो पाए। पेंडिंग कम से कम हो इसके लिए सारी तैयारियां, सारी व्यवस्था की जा रही है। तो आपको खोल लेना है अपना गूगल क्रोम, ठीक है? इस तरीके से गूगल क्रोम खोलिएगा और वहाँ पे सर्च और टाइप वेब एड्रेस पे आपको सर्च करना है SAR, ठीक है, KARIJOB.CO, SarkariJob.CO, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो रहा है SarkariJob.CO, यही आपको सर्च करना है SarkariJob.CO, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सर्च पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज खुल गया है और आपको जाना है दोस्तों नीचे, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा तो आप ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको रिजल्ट का आपको मिल सके, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों को शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो। अब आपको जाना है नीचे, जैसे ही नीचे जाइएगा देखिए यहाँ पे शो हो रहा है बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021 जल्द होगा जारी। यहाँ पे देखिए न्यू अपडेट भी आ चुका है, जल्द होगा जारी, यहाँ पे सब कुछ आपका आ गया है। तो जल्दी से इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का पेज आपका खुलकर सामने आएगा, तो आपको जाना है नीचे, ठीक है। जैसे ही नीचे जाएंगे देखिए इस तरह का पेज खुल रहा है, नीचे जाएंगे, ठीक है, और नीचे जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले अपडेट दिया जा रहा है अभी से ट्यूटोरियल पे आप देख रहे हैं ये खबर को, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अब देखिए नीचे जाना है, इस तरीके से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको रिजल्ट देखने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड 10th रिजल्ट का लिंक आ गया है और लिंक एक्टिव सून लिखा रहा है, यानी किसी वक्त लिंक है वो जारी हो सकता है। डेट यहाँ पर आ गई है कि डेट आपका क्या है, किस दिन आपका लिंक जारी होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो इसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट जब आए पता चल जाए। यानी यहाँ पे कॉपी की जांच जो है वो पूरी हो गई है, यानी जो भी मैट्रिक के छात्र इस वक्त देख रहे हैं अगर आप मैट्रिक रिजल्ट सबसे पहले चेक करना चाहते हैं तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा सबसे पहले लाइव चेक करके इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। जैसे कि इंटर का सबसे पहले रिजल्ट जो चेक किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल पर किया गया था, तो मैट्रिक का भी सबसे पहले अभिषेक ट्यूटोरियल पर ही किया जाएगा। रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर जारी होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए परीक्षा फल के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया जिससे जो काम है वो बिल्कुल फास्ट हो रहा है। आपको बता दें कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल में जारी होने जा रहा है। बात करें कि अप्रैल में कौन सी तिथि जारी गई है तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अनंत किशोर जी ने साफ साफ कहा है कि जो भी मैट्रिक के छात्र इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनमें कॉपी की जांच पूरी हो गई है और जो भी लास्ट की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, यानी कॉपियों का जो है जो टॉपर की कॉपी है उनकी कॉपी की जांच जो है वो पुनर्जांच की जा रही है, यानी कॉपी की रीचेकिंग हो रही है। वो सभी छात्रों का नहीं होता है, जो टॉप करते हैं उन छात्रों की कॉपी की रीचेकिंग करवाई जा रही है ताकि किसी तरह की गलती ना रह जाए, कोई गलत टॉपर ना बन जाए, इसके कारण ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
जा रही है। उसके बाद यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन भी करवा लिया जाएगा, जो कि होली के बाद जो है टॉपर वेरिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा, जिन्हें कॉल आना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपका होली है उसके एक दो दिन बाद जो है वो आपका टॉपर के वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा। यानी आप लोग का जो टॉपर का वेरिफिकेशन होगा वो इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है। जैसे इंटर वालों का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है, वैसे ही आप लोग का ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा। तो जो भी टॉपर होंगे, चाहे वो जिला टॉपर हैं या बिहार बोर्ड टॉपर है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सभी के टॉपर का ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा। इसमें किसी तरह का आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि जो भी कॉपी जाँच की प्रक्रिया पूरी हुई है उसमें कुछ कॉपियाँ जो है वो पेंडिंग में भी गई है, वो छात्रों की गलती से गई है या किसी अन्य कारण से गई है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्रों की खबर आ रही है, बहुत सारी कॉपियाँ जो है अभी तक पेंडिंग में है। यानी हो सकता है कि वैसे छात्रों का रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग में चला जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती कर रखे हैं। जैसा कि इंटर परीक्षार्थियों के साथ हुआ कि बहुत सारे का छात्र का रिजल्ट पेंडिंग में चला गया या एब्सेंट दिखा दिया गया है प्रैक्टिकल में। बहुत सारे छात्र इंटर वाले कॉमेंट कर रहे थे रिजल्ट के बाद, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैट्रिक वाले छात्र ने वही गलती की है जो इंटर वाले छात्रों ने की है। यानी कहीं ना कहीं कॉपी में सेट कोड गलत लिखा है या सही से नंबर नहीं डाला है, और बहुत लोगों ने तो प्रैक्टिकल की परीक्षा जो है अब सेंड कर रखी है। तो जो भी अब सेंड कर रखे हैं उनका रिजल्ट जो है वो रुक रहा है, यानी आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा तो पूरा रिजल्ट जो है वो आपका फेल हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे छात्रों के लिए थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। तो कैसे वो लोग कौन कौन से छात्र हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी हेल्प होगा इस चैनल के थ्रू किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मैट्रिक का रिजल्ट की तिथि भी है यहाँ पर जारी कर दी गई है, और आपको बता दें कि 16 गुना अधिक जो है इस बार फास्ट काम किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे अपडेट दी जा रही है। तो आपका रिजल्ट जो है अब यहाँ पे तारीख का ऐलान हो गया है, आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी होने जा रहा है। यानी मैट्रिक वाले का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी होने जा रहा है। जो भी छात्र मैट्रिक वाले हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं, अब जो है आपका रिजल्ट जो है आपका हाथों में होगा, क्योंकि आपकी रिजल्ट की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, क्योंकि काम जो है 16 गुना स्पीड से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब इतने स्पीड से रिजल्ट आया, जैसे कि देख सकते हैं इंटर का रिजल्ट कितना जल्दी जारी किया गया। इसी तरीके से आप लोग का जो है फिलहाल जो है आपका तारीख जो है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, यानी 7 अप्रैल से पहले आप लोग का रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी 6 अप्रैल या 7 अप्रैल को आप लोग का मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बस आप लोग सभी के लिए दुआ करो कि सभी का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा है। मैट्रिक वालों का कमेंट में जो है अधिक से अधिक दुआ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1000 से अधिक कमेंट करोगे और सभी में सिर्फ दुआ होगा सभी छात्रों के लिए। तो 1000 दुआ चाहिए मुझे बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए, जो इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए भी, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी। तो आप लोग तैयार हो दुआ करने के लिए, कमेंट में दुआ करो सभी छात्रों के लिए कि सभी के छात्र जो हैं वो बहुत अच्छे आए। 1000 सभी के लिए दुआ करो, भगवान ईश्वर अल्लाह जो जिनको भी मानने वाले हो सभी के लिए दुआ करो यार, सभी के लिए दुआ करो कि सभी के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए। कमेंट करो जल्दी, ठीक है, जिन धर्म के मानने वाले हो सभी के लिए कमेंट करो कि सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आए। मैं भी यही दुआ करता हूँ सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में मैट्रिक के लिए, ठीक है।